योगी जी भ्रष्ट हो गए हैं, लिप्त हो गए हैं। योगी और मोदी को जितने जल्दी हो सके जनता ने यहाँ से हटाने का मन बना चुकी है। और आज सबसे ज्यादा अगर पीड़ित है भारत की सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, तो वो नौजवान है, वही छात्र है, वही विद्यार्थी है, वही पीड़ित है। 2022 में बदलाव के साथ साथ इनको देश से बाहर निकालना चाहते हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, ऐसे भ्रष्ट निकम्मे लोग को जेल से भी आगे की जो सजा हो सकती है वो होना चाहिए। जो अपने परिवार के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम करता है, जनता के लिए कोई काम नहीं करता है। फिर अब 5-6 महीने की सरकार रह गई है, सब विधायक मंत्री अपने अपने क्षेत्र में लगे हैं कि हमने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन आज तक क्षेत्र में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। डेवलपमेंट ये हुआ है कि भारतीय रेल अडानी रेल हो गई है। अच्छा। यानी कि हर चीज को जो है बेचे दिए जा रहे हैं। अडानी जी को ले लो, अडानी जी की एक रिपोर्ट आई है, इक्यावन सालों में 9 बिलियन उनका जो है संपत्ति थी, अब बढ़कर 51 हो गई एक साल के अंदर में। ये सरकार कुछ अच्छा काम की लेकिन उससे ज्यादा गलत काम किया, कहीं पे अंकुश गवर्नमेंट का दिखा नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। छात्र जो है नौकरी चाहता है, नौकरी यहाँ पे है ही नहीं, सब चीज प्राइवेट करते जा रहे हैं, जो बच रहा है उसको बेचते रहे हैं। अडानी और अंबानी के अलावा उनको कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कोई मंत्री चाहे सपा का हो, बसपा का हो, भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का, किसी पार्टी का हो, ये जाकर कोरोना से जो मर रहे थे व्यक्ति, उनके लिए चाहे हॉस्पिटलों में वो चाहे तो भाई 1 करोड़ आप प्रत्याशी को दे रहे हैं जीतने के लिए चुनाव, तो आप 85 लाख दे करके गैस सिलेंडर, कोई इस तरह का हॉस्पिटल बना देते जिससे कोरोना मरीज जो मर रहे जनता है उनको राहत पहुंचती। किसी पार्टी के लोगों ने कोई ऐसा काम किया नहीं। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ, जहाँ पे आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय के बिल्कुल बाहर, ये आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे बैनर पोस्टर की दुकानें भी हैं। तो उत्तर प्रदेश में 2022 चुनाव को लेकर काफ़ी गहमा गहमी शुरू हो गई है, तो यहाँ की जनता से हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के कामकाज से लोग कितना खुश हैं। भाई साहब, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के कामकाज से आप खुश हैं, योगी जी के कामकाज से खुश हैं? देखिए, किसी की भी सरकार बनती है तो हर सरकार अपनी अपनी पॉलिसी योजनाएं लागू करती है, उसके तहत काम करती है। पीछे भी जो सरकारें रहीं अपनी योजनाएं बना करके लागू की, उसके लिए काम किया। अब ये जनता का कहना कि ये सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, वो सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, यदि विपक्ष कह रहा है कि भाई ये सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, तो आप बताइए, विपक्ष को बताना चाहिए कि आप जब सत्ता में थे तो आप कैसा काम कर दिए कि जनता आपको उखाड़ फेंकी है? और बीजेपी आ गई, आप बीजेपी आ गई, तो इसका मतलब है कि आपने बढ़िया काम नहीं किया, इसलिए जनता ने आपको उखाड़ फेंक दिया। अब रहा कोरोना का, कोरोना आया हुआ था, तमाम लोग पैदल कहाँ कहाँ से आ रहे थे, लोग मर रहे थे हॉस्पिटलों में। हर प्रत्याशी को हर पार्टी वाले, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, हर प्रत्याशी को लोग 50 लाख से 1 करोड़ रुपया देते हैं उसको कि चुनाव जीत कराओ किसी तरह। लेकिन कोई एक पार्टी वाला, कोई एक विधायक, कोई एक मंत्री, चाहे सपा का हो, बसपा का हो, भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का, किसी पार्टी का हो, ये जाकर कोरोना से जो मर रहे थे व्यक्ति, उनके लिए चाहे हॉस्पिटलों में वो चाहे तो भाई 1 करोड़ आप प्रत्याशी को दे रहे हैं जीतने के लिए चुनाव, तो आप 85 लाख दे करके गैस सिलेंडर, कोई इस तरह का हॉस्पिटल बना देते जिससे कोरोना मरीज जो मर रहे जनता है उनको राहत पहुंचती। किसी पार्टी के लोगों ने कोई ऐसा काम किया नहीं। अब आप ये केवल आरोप लगाने से कोई काम होगा नहीं। आप ये बताइए, सरकार के कामकाज से खुश हैं या नहीं? हाँ या ना? ये हम क्यों बताएंगे खुश हैं कि नहीं खुश हैं? क्यों, आप जनता हैं, आप जनार्दन हैं। हर देखिए, जनता केवल वोट देती है, सरकार चलाना ठीक से सरकार का काम है, लेकिन जनता खुश है या नहीं जनता बताएगी ना। जनता तो भाई खा पी रही है, अपने चल रही है, जनता तो यदि गवर्नमेंट ठीक भी नहीं काम करेगी तब भी जनता खाए पिएगी। जनता के घर तो कोई खाना पहुंचाएगा नहीं, चाहे किसी की भी सरकार हो। आज तक किसी पार्टी ने जो सरकार चलाई है, आज तो बता दीजिए कि जनता के वोट पर सरकार बनाते हैं, लेकिन क्या उनके घर पर खाना पहुँचाने का काम किया है कोई? किसी ने नहीं किया है। चाहे महंगाई हो, चाहे सस्ती हो, चाहे कुछ भी हो, एक ठेला चलाने वाला भी मेहनत करता है तब तो वो दाल रोटी खाता है और अपने परिवार को खिलाता है।
आप कहें कि सरकार ये ठीक काम है, तो भाई आपने जब मैं कहने रहा हूँ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि सरकार के कामकाज से खुश हो या नहीं। मैं कोई नहीं होता हूँ कहने वाला आपको कि सरकार अच्छा काम कर रही है या खराब काम कर रही है। मेरा काम है आपका ओपिनियन लेना, जनता का ओपिनियन लेना कि जनता कितनी खुश है और कितनी ना खुश। जनता को कोई परेशानी नहीं है, जनता कोई परेशानी नहीं है। जनता कोई पर जो वोट की राजनीति करते हैं वो केवल प्रचार करते हैं कि जनता मर रही है, मर रही है तो आप क्या कर रहे थे? कोरोना काल में क्यों नहीं उनके इलाज के लिए 50 लाख रुपया खर्चा किए? एक प्रत्याशी पर आप 1 करोड़ खर्चा कर सकते हैं चुनाव जिताने के लिए, तो इस जनता के मरीज विधानसभा में एक विधायक अपने क्षेत्र में 1 करोड़ 2 करोड़ खर्चा करना चाहिए पार्टी को, हर पार्टी को खर्चा करना। कौन पार्टी वाले ने 1 करोड़ 2 करोड़ खर्चा करके जनता को बचाने के लिए, कोरोना से बचाने के कोई खर्चा किया है अपने पैसे से? मैं फेसबुक पर तमाम लिखता था हर पार्टियों के कि भाई आप लोग भी कोरोना से बचाने के लिए जनता के लिए कुछ कीजिए, हॉस्पिटल बनवाइए तमाम। भाई 50 लाख 1 करोड़ जो आप चुनाव जिताने में करते हैं प्रत्याशियों को, वही जनता को बचाने के लिए नहीं। कोई पार्टी वाला केवल फेसबुक पर टीवी पर ये है कि सरकार कुछ कर रहा है, आप क्या काम कर रहे हैं? केवल आरोप लगाने से जनता की समस्या खत्म नहीं होती। शुक्रिया। कोई भी सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए। अच्छा। कोई भी विधायक चाहे जनता, जनता अपना वोट देती है तो इस भविष्य के लिए देती है कि अगला जो विधायक चुनाव जीत कर आएगा हमारे लिए काम करेगा। लेकिन वो विधायक जब चुनाव जीत कर आता है तो जनता को नहीं सुनता है, केवल अपने परिवार के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम करता है, जनता के लिए कोई काम नहीं करता है। फिर अब 5-6 महीने की सरकार रह गई है, सब विधायक मंत्री अपने अपने क्षेत्र में लगे हैं कि हमने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन आज तक क्षेत्र में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब जब चुनाव आ गया है, सर पर आ गया है, 5-6 महीने की सरकार है, तो सब विधायक मंत्री अपने अपने क्षेत्र में दौड़ रहे हैं कि हमने ये काम किया वो काम किया, ये तो सब दिखाने के लिए। आज क्या है, सब वोट की राजनीति है, चुनाव जीतने के बाद जनता को सब भूल जाते हैं सब, और केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जीते हैं सब, जनता को कोई वो नहीं करता। क्या नाम सर आपका? अशोक। अशोक जी, आप ये बताइए कि योगी जी के कामकाज से खुश हैं, सरकार के कामकाज से खुश हैं? देखिए, गवर्नमेंट का काम है जो तमाम समस्याएं हैं पब्लिक की जी। ये सरकार कुछ अच्छा काम की लेकिन उससे ज्यादा गलत काम किया, कहीं पे अंकुश गवर्नमेंट का दिखा नहीं, चाहे वो लाइन ऑर्डर का मामला हो। एक चीज दिखता है कि कहीं गाड़ी पलट जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कोई घटना हो जाती है समुदाय जाति के मतलब विशेष के साथ में। जी 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 हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा गंभीर समस्या, गंभीर विषय है जी। हिंदुस्तान, भारत हमारा ये लोकतंत्र, दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हिंदुस्तान। हमारे साथ बहुत सारे देश आजाद हुए, 2 भाषाओं की लड़ाई श्रीलंका में हुई ना, तमिल और उसमें जी, तमाम जगह जो हमारे इर्द गिर्द आजाद हुए देश, जहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था की गई, वहाँ पे सारे देशों में लोकतंत्र टूट गया। हमारा अपना पटीदार पाकिस्तान में लोकतंत्र की हत्या हो गई, सैनिक शासन, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं। अभी आपने अफगानिस्तान को देख लिया, अभी ताजी घटना, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। हमारा संविधान, हमारा कानून जी जी बिल्कुल डेमोक्रेसी पे चलता है जी, लोकतंत्र पे चलता है। लेकिन जो भी सरकारें आई उसने अपने स्तर से तो अच्छा काम किया जो भी हो, लेकिन जनता की मूल समस्याओं को सरकारें जी, अर्थव्यवस्था हो गई, हमारी बेरोजगारी हो गई, चाहे वो किसान की समस्या हो, व्यापारी की समस्या हो, नौजवान की बेरोजगारी की समस्या हो, हर स्तर पे सरकार फेल्योर हुई। आपको क्या लगता है कि 2022 में बदलाव आ गया या दोबारा योगी जी आएंगे? देखिए, इसमें ऑथेंटिक बिल्कुल तो नहीं कहा जा सकता कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, क्योंकि जब 2 सांसद से 400 कुछ सांसद हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के, 2 अटल बिहारी और जी और आडवाणी जी, 2 ही सांसद किसी जमाने में हुआ करते थे, 89 में 67 हुए, उसके बाद बढ़ते 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 आज मोदी जी के शासनकाल में 300 कुछ हो गए, तो इसको कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये क्या हो सकता है। लेकिन मैं जो एक जनरल ओपिनियन कह लीजिए इसको, तो इस बार जो पिछली 17 का चुनाव हुआ उसमें एक तरफ की लड़ाई हुई, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ना, वहाँ चिड़िया भी बोलती थी तो सिर्फ बीजेपी बोलती थी, चाहे वो मोदी जी के भाषावी जाल में फंस के,
या जिस ग्लैमर की वजह से, लेकिन जो 2022 का चुनाव होने जा रहा है इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसियों का, गवर्नमेंट के कार्यक्रम का, गवर्नमेंट की हर चीज का मूल्यांकन जनता करेगी, निश्चित करेगी। अब बदलाव कितना होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मूल्यांकन निश्चित रूप से होगा। आप बताइए, आपको याद होगा कि 1980 में 77 में इंदिरा जी को आयरन लेडी कहा गया, और उस आयरन लेडी को किसने हटाया? सिर्फ छात्रों और नौजवानों ने। हिंदुस्तान के सारे यूनिवर्सिटियों में यह आंदोलन चला, जो क्रांति का आंदोलन जयप्रकाश नारायण ने छेड़ा था 75 के बाद, वो सबसे ज्यादा प्रभावी हुआ यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, इमरजेंसी लेकर डूब गए। जी 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 जी, लेकिन उसको किसने हाईलाइट किया? नौजवानों ने, विद्यार्थियों ने, छात्रों ने। और आज सबसे ज्यादा अगर पीड़ित है भारत की सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, तो वो नौजवान है, वही छात्र है, वही विद्यार्थी है, वही पीड़ित है। सरकार के काम काज से क्या कोई खुश रहेगा? जहाँ तक है सरकार तो भाई हर लोग उन्हीं की कर रहे हैं। अच्छा, ये आप क्या सोचते हैं, मतलब काम धंधा करते क्या हैं आप? हम तो रिटायर हो गए। अच्छा, रिटायर हो गए, पेंशन आ रही होगी? हाँ, पेंशन आती है। पेंशन आ रही, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। बच्चे? बच्चे अभी बेरोजगार हैं। अच्छा, बच्चे बेरोजगार, तो उनके लिए रोजगार चाहिए। तो ये मुद्दा है आपके लिए इस चुनाव में या नहीं है? चुनाव में मुद्दा रहेगा कि नहीं, नौजवानों के लिए रोजगार चाहिए। नौजवानों के लिए रोजगार चाहिए, तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में बदलाव आएगा या दोबारा योगी जी फिर? अब तो ये जनता के ऊपर है। आप ही तो जनता है। नहीं, आप तो जनता है। हम एक आदमी से कहने से नहीं होता है। एक एक करके 100 बनता है, एक एक करके 111 बनता है। नहीं, हर एक एक आदमी बोलेगा तभी तो पता चलेगा। ये तो जनता के ऊपर है, बदलाव न बदलाव की बात जनता करेगी। आप भी तो जनता हो सर। अरे आप ही तो जनता हो, तो जो आएगा समय पर वो किया जाएगा। क्या नाम सर आपका? लक्ष्मीनाथ कश्यप। अच्छा, लक्ष्मी जी, योगी जी के कामकाज से खुश हैं? बिल्कुल खुश नहीं है। छात्र जो है नौकरी चाहता है, नौकरी यहाँ पे है ही नहीं, सब चीज़ प्राइवेट करते जा रहे हैं, जो बच रहा है उसको बेचते रहे हैं। अडानी और अंबानी के अलावा उनको कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये कहावत कही है, न मंदिर चाहिए न मस्जिद चाहिए, भूखे पेट को निवाला चाहिए, खाने के लिए हम लोग तरस रहे हैं। आप देख रहे होंगे, इससे पहले अगर आते होंगे तो यहाँ लाइन लगी रहती होगी लोगों की, सब यहाँ की जो है चमक खत्म हो गई है। योगी जी भ्रष्ट हो गए हैं, लिप्त हो गए हैं। योगी और मोदी को जितने जल्दी हो सके जनता ने यहाँ से हटाने का मन बना चुकी है। तो 2022 में बदलाव चाहते हैं आप? 2022 में बदलाव के साथ साथ इनको देश से बाहर निकालना चाहते हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, ऐसे देश निकाला होगा। ऐसे भ्रष्ट निकम्मे लोग को जेल से भी आगे की जो सजा हो सकती है वो होना चाहिए। अंडमान निकोबार, काला पानी जैसा सजा इनको हो, ताकि ऐसे दुर्दांत लोग इस प्रदेश और देश में न दिखाई दे। अच्छा, तो मतलब आपका जो ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है इसमें मुद्दा रहेगा बेरोजगारी का? बेरोजगारी रहेगी। अभी आप एक रिपोर्ट आई है, भुखमरी की स्थिति में भारत 97 नंबर पे आ गया, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान और जो है नेपाल जैसे देशों से भी हम जो है बुरी स्थिति में आ गए, इनसे नीचे आ गए, इनसे भी नीचे स्थिति में हम चल रहे हैं। और तमाम समस्याएं हैं, रोजगार के लिए 69,000 शिक्षकों जो भर्ती हुई है उसमें आरक्षण का मुद्दा सबसे बड़ा है। देखिए, जब डेवलपमेंट होगा बेरोजगारी आएगी, महंगाई आएगी। लोगों का कहना, ये मेरा कहना नहीं है, मैं ओपिनियन पोल ले रहा हूँ, लोगों का कहना कि अगर कुछ बदलाव होगा, डेवलपमेंट होगा तो रोजगार खत्म होंगे, बेरोजगारी आएगी, महंगाई आएगी। तो डेवलपमेंट दिखाई देना चाहिए ना। अभी आप देख लीजिए, सड़कों का निरीक्षण कर लीजिए, अभी आपको डेवलपमेंट यहाँ का दिखाई देगा। डेवलपमेंट ये हुआ है कि भारतीय रेल अडानी रेल हो गई है। अच्छा। यानी कि हर चीज को जो है बेचे दिए जा रहे हैं। अडानी जी को ले लो, अडानी जी की उनका एक रिपोर्ट आई है, उनका एक रिपोर्ट आई है, 51 सालों में जो बैठा हुआ वो काम नहीं करता। 51 सालों में 9 बिलियन उनका जो है संपत्ति थी, अब बढ़कर 51 हो गई एक साल के अंदर में। तो अडानी जी पे मेहरबान है ना। जब तक इस देश की जनता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने वोट की ताकत जो सबको दिया था, आज उस वोट की ताकत को जनता पहचानने लगी है और अपने वोट के माध्यम से इनको बाहर करने का काम करेगी। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।